नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष लुनिया और आप हो अपनी चैनल पर जिसका नाम है आर टैलेंट सिविल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्च के बारे में कि आर्च हमें कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों मैं जो तरीका बताने वाला हूं आर्च बनाने का, इसमें ना ही आपको किसी फ्रेम की जरूरत होगी, ना ही किसी लोहे की इंगल से हमें गोल आर्च बना के उस पर ब्रिक वर्क करना होगा। दोस्तों मैं जो आर्च बनाने की जो तरीका बताऊंगा वो आप बिना किसी फ्रेम के, बिना किसी भी चीज के आप आर्च बना सकते हैं। सीधे आपके ब्रिक के द्वारा यानी आपके ईंटों से भी आर्च बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह कंस्ट्रक्शन के संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन बेल मिल सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस ब्रिक वर्क को समझ लीजिए। यहाँ पे किचन सेट है, किचन से हाल में जो छोटा विंडो छोटी खिड़की दी गई है ये केवल नाश्ते की ट्रे या चाय की ट्रे लेने देने के लिए छोटी सी विंडो दी गई है। यहाँ पे गोलाई आर्च दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमने फ्रेम वर्क बिल्कुल उपयोग नहीं किया है, सीधे हमने जुड़ाई पर इसको किया है। अब इसको करते कैसे हैं, इसका तरीका बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले हमने जहाँ भी ऐसा गोल आर्च लेना है वहाँ पे सबसे पहले हम बहुत ही हल्के माल का उपयोग करेंगे, हल्की रेत का, जो कि वहाँ पे सेट ना हो। दोस्तों वो हल्के माल से जिस प्रकार आप बीच में देख रहे हैं गोल आर्च के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे हल्के माल से हमें गोलाई काटना है यानी ईंटों से जोड़ के हमें यहाँ पे गोलाई काटना है। अगर आपको जितनी भी गोलाई रखनी है आप उस प्रकार से गोलाई काट सकते हैं। फिर भी अगर आपको गोलाई काटते नहीं आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे आप 6 mm का सरिया लेके यहाँ पे गोल करके वहाँ पे आप एक सांचा बना सकते हैं। सांचा बनाने से आप यह है कि गोलाई आपकी प्रॉपरली एकदम सही होगी। दोस्तों यहाँ पे कच्चे माल से जब आपकी गोलाई पूरी कट जाए तो आपको सीधे दीवार के साथ में यहाँ पे जुड़ाई नहीं करना है। सबसे पहले उस गोलाई के आकार में हमें एक एक ईंट लगाना है। एक एक ईंट हमें जब लगाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे हमारी सीमेंट हमारी तेज होनी चाहिए यानी माल में सीमेंट थोड़ी तेज होना चाहिए। दोस्तों तेज सीमेंट से हमारी ये गोलाई है बहुत जो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट की बात और कहना चाहूँगा, दोस्तों जब भी आप ये गोलाई में जब भी ईंट रखें तो यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल ना ले। जॉइंट से मेरा कहने का मतलब जब ईंटों के बीच में जो जॉइंट रहता है वो बिल्कुल कम से कम आने देना है यानी चिपका के पूरी ईंट हमें रखना है, यानी ईंट से ईंट चिपका के हमें पूरी गोलाई की ईंट हमें रखना है, यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में अगर कहीं थोड़ा घना गैप बच गया है तो उसे हमें तेज माल में भरना है। और दोस्तों एक पॉइंट की बात और कहना चाहूँगा, जो भी आप जो बीच में ईंट जो देख रहे हैं बीचों बीच में, दोस्तों यहाँ पे एक ईंट हमारी सेंटर में आनी चाहिए यानी सेंटर में हमारा जॉइंट नहीं आना चाहिए। आप इस प्रकार से जुड़ाई कीजिए कि हमारी जो सेंटर की जो ईंट है बिल्कुल हमारी फिक्स आना चाहिए यानी ईंट से ईंट चिपक के फिक्स आना चाहिए, यहाँ पे बीच में जॉइंट हमारा नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों बीच में जॉइंट जैसे हमारा आ गया है तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, दोस्तों हमारी ये आर्च जो कमज़ोर हो जाएगा, हमारी जो एक ईंट जो रहेगी वो हमारी बीच में आना चाहिए और पूरी ईंट चिपक के आना चाहिए। इसका मेन फंडा आपका यही है। ईंटों की गोलाई कट जाने के बाद में आप उसे पूरी दीवार उठा सकते हैं यानी पूरा ब्रिक वर्क कर सकते हैं जिस प्रकार आप फोटो में देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको पूरा ब्रिक वर्क कर देना है। दोस्तों ब्रिक वर्क हो जाने के बाद में आप 2 दिन के बाद में यानी 48 घंटे लगभग 48 घंटे के बाद में आप इस कच्ची ईंट को आप निकाल सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। कच्ची ईंट को निकालने के बाद में अब हमारा यह आर्च विंडो तैयार हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कच्ची ईंट पूरी निकाल दी गई है, ठीक 48 घंटे बाद दो दिनों के बाद में यहाँ पे हमारा ये आर्च कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ना ही फ्रेम का उपयोग किया गया है, ना ही किसी सरिये का उपयोग किया गया है, सीधा ब्रिक वर्क के द्वारा हमारा ये आर्च कंप्लीट हो
हो गया है। दोस्तों आप भी ऐसे आर्च बना सकते हैं, ऐसी गोलाई काट सकते हैं बिना किसी फ्रेम के, बिना किसी कोई दिक्कत के। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी ये कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।